जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक होता अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, इसमें एक ही जनक यूनिपेरेंटल, ठीक है, मैंने कहा एक ही जनक भाग लेता है, ठीक है, यानी ये कैसी हुई यूनि पेरेंटल, क्या हुई बोलो, यूनि पेरेंटल, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर इसमें दो जनक, ठीक है, मेल फीमेल दोनों भाग लेते हैं, यानी ये क्या हुई बोलो, बाई पेरेंटल। ओके दूसरा पॉइंट, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। उसके बाद इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर इसमें क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, ठीक है, होने के कारण विभिन्नताएं वेरिएशन होती है, उत्पन्न होती है। नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर पॉइंट की बात करें, यह सरल एंड तीव्र होता है, जबकि कंपेरेटिवली जो लैंगिक जनन होता है यह जटिल, ठीक है, होता है। उसके बाद और बात करें, नंबर फाइव, एक तरफ अलैंगिक है और एक तरफ लैंगिक है, ठीक है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है, इसमें समसूत्री, ठीक है, माइटोसिस एंड अर्धसूत्री मियोसिस दोनों विभाजन होते हैं, इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं, बनने वाली डॉटर सेल कोशिकाएं आपस में भी समान होती है तथा जनक के भी समान होती है। और लैंगिक जनन के अंदर इसमें बनने वाली
पुत्री कोशिकाएं आपस में भी अलग अलग होती है तथा पैतृक पेरेंटल से भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जीवों में जनन में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अच्छे से अंतर पता होना चाहिए। क्लियर? अभी आपको पता होना चाहिए लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि लैंगिक अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है। क्लियर? ओके। उसके बाद बात करें अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें आपको मैं टू द पॉइंट एग्जाम में जो आता है वो बता रहा हूं। एक आपको पता होना चाहिए मुकुलन, बडिंग, ठीक है। एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन बाइनरी फिशन, और एक होता है बहुविखंडन मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि कोई भी ओवरग्रोथ जो होगी, ये ओवरग्रोथ, ठीक है, वही बोलो क्या बना लेती है जीव, उसी को क्या बोलते हैं मुकुलन। ऐसा हाइड्रा में मिलता है, ईस्ट में मिलता है। क्लियर? ओके। मल्टीपल विषन की बात करें, इसमें आपसे मैं कह रहा हूं कि और फिर इस तरह से ये क्या होगा बाइनरी फैशन। ऐसा अमीबा पेरामीशियम में मिलता है। बहुविखंडन की बात करें, जिसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे स्पोर और फिर सभी क्या कर लेंगे, बहुत सारे आपसे मैं कह रहा हूँ बन जाएंगे। तो इसी ऐसा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम में मिलता है, अमीबा में बाइनरी और मल्टीपल दोनों मिलते हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही चीज आती है कि मुकुलन किस में मिलता है। आपको टू द पॉइंट बात पता होनी चाहिए। डायग्राम में मैंने एकदम शॉर्ट में बताया है, आपको बस यही पूछा जाता है मुकुलन किस में मिलता है, मल्टीपल विजन किस में मिलता है। आई होप आपको अलैंगिक जनन उसके प्रकार समझ में आए होंगे। जब हमने लैंगिक के साथ अलैंगिक के डिफरेंस कर लिए तो अलैंगिक की सारी बातें भी पता चल गई कि अलैंगिक यूनिपेरेंटल होता है, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, उसमें निषेचन नहीं होता है, केवल माइटोसिस होता है, उसमें जो बनती है वो सेल्स आपस में समान होती है और जनक के भी समान होती है। क्लियर? एक क्वेश्चन एग्जाम में आता, क्या हम अलैंगिक जनन में बनने वालों को क्लोन कह सकते हैं क्या? तो उसका भी एक स्पेशल नोट बता देता हूँ। मैंने कहा क्लोन, ठीक है, तो क्लोन का हम क्या कह सकते हैं, वह पुत्री कोशिकाएं जो आकार की रूप से तथा आनुवांशिक रूप से समान होती है उन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मॉर्फोलॉजिकली
और जेनेटिकली दोनों रूप से, यानी अलैंगिक जनन में बनी ऐसी आकार की और मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होती है, उनको हम क्लोन कह सकते हैं। ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आपको मैंने लैंगिक अलैंगिक में अंतर बताया, वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें और मस्त रहें।